हर किसी को दिल से नमस्ते मैं हूं इंडिया से और अब कहाँ से हो कमेंट करके बताना हैप्पी रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामना है मेरी तरफ से रक्षाबंधन हो या घर पर कोई भी इवेंट पर आप ये रेसिपी बना के हर किसी को खिला सकते हो गईस ये मिठाई बनाना बहुत ही इजी और सिंपल है हाँ गईस आप आपको मार्केट जाने की कोई जरूरत नहीं आप घर पर ही ये मिठाई बना के हर किसी को खिला सकते हो तो गई मैंने स्टेप बाय स्टेप जैसा ये रेसिपी बना के दिखाया इस वीडियो पे। अगर आप फॉलो करके बिल्कुल ऐसा बनाएंगे तो आपको बिना कोई टेंशन लेके बहुत ही बढ़िया मिठाई बनाना आप सीख जाओगे तो चलिए टाइम वेस्ट मत करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों ये मिठाई बनाने के बाद आप एक हफ्ते के लिए घर पर रख के भी खा सकते हैं अगर आपके घर पे फ्रिज हो तो आप एक महीने के लिए भी रख कर खा सकते है तो चलिए शुरू करते है आज की रेसिपी तो मैंने यहाँ पे दो कटोरी आटा ले लिया बिल्कुल ही छोटा साइज का कटोरी तो आपको अगर मिठाई ज्यादा बनाना है तो आप आटा का क्वांटिटी ज्यादा ले सकते हैं तो गाइस यहाँ पे हमने डाल दिया काली जीरा तो आपको अगर काली जीरा पसंद नहीं है तो आप यहाँ पे तिल भी डाल सकते हो तिल से भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आते हैं और उसके बाद गाइस इसके अंदर हमने थोड़ा सा नमक दे दिया और थोड़ी सी चीनी डाल दिया और उसके बाद हमने यहाँ पे तीन चम्मच घी ले लिया गाइस आप गाइस आपको अगर घी पसंद नहीं तो आप तेल भी यूज कर सकते हो और उसके बाद गाइस हमने बहुत ही अच्छा से मयम लगा लिया आटा के साथ सारे चीज मिला लिया और गाइस उसके बाद हमने थोड़ा थोड़ा करके पानी ले लिया और इस आटा को बहुत ही अच्छा तरीके से हमने सेट कर लिया तो गाइस देखिए मेरा आटा हो गया तैयार और अब हम इसको लोई बना के रखेंगे तो हम यहाँ पे कम से कम आठ से नौ लोई बना लिया गाइस यहाँ पे आपको तो कम से कम सात से आठ लोई बनाना ही चाहिए नहीं तो आपको जो लेयर दिखाई देती है इस मिठाई का वो ज्यादा दिखाई देगी तो अच्छा लगता है तो गाइस हमने जैसे कि गेहूं के आटा लिया था उसी के हिसाब से हमारा यहाँ पे हो गया एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ नौ लोई हमने बना लिया तो हमने आप इस लोई को बनाएंगे रोटी के जैसा गोल गोल तो हमने आटा के मदद से अच्छा से यहाँ पे रोटी बेल लिया और रोटी बेल के हम एक एक करके रख दिया और अब हम सारे लोई को रोटी बना लिया तो गाइस अब हम जो करेंगे वो हम आगे दिखाते तो चलिए जिसने भी, भी वीडियो लाइक नहीं किया जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप तो आप कमेंट पे बता सकते तो देखिए गाइस यहाँ पे हमने सारे लोई को एक एक करके बेल लिया और अब हम यहाँ पे जो करने वाली हूँ गाइस चलिए हम दिखाते तो अब हमने एक रोटी ले लिया और उसके ऊपर हमने अच्छा से घी लगा लिया और घी लगाने के बाद गई उसके ऊपर हमने और एक रोटी रख दिया तो रोटी रखने के बाद गैस हमने अच्छा से थोड़ा सा आराम से बेल लिया और गैस ऐसा ही करके हमने उसके ऊपर एक एक करके हमने सारे रोटी को रख दिया और और स्टेप बाय स्टेप हमने ऐसा एक के ऊपर एक रखते गए और गैस अब हमारा रखना हो गया अब हम जो करने वाली गई चलिए हम बताते तो गाइस देखिए अब हमको आ गया रोलिंग करने की बारी तो हमने ऐसा कर करके रोल कर लिया और रोलिंग करने के बाद अच्छा से हमने हाथ के मदद से बेल लिया और गैस थोड़ा सा लंबा कर लिया तो लंबा करने के बाद गैस हम जो अब करेंगे चलिए हम बताते तो गैस अब हमने अच्छा एक लंबा सा रोलिंग बना लिया और रोल बनाने के बाद गैस अब हम चाकू के मदद से देखिए ऐसा छोटा छोटा पीस करके काट लेंगे गाइस ज़्यादा छोटा भी नहीं और ज़्यादा मोटा भी नहीं मीडियम साइज करके हम ऐसा चाकू के मदद से काट लेंगे और काटने के बाद गैस यहाँ पे बहुत सारे हो गया हमारा मिठाई तो गैस देखिए अब हम एक एक करके मिठाई को दे देंगे डिजाइन गैस हमने ऐसा डिज़ाइन दे दिया आप चाहो तो अलग डिजाइन भी दे सकते हो आपके मर्जी तो मैंने एक एक करके सारे मिठाई को डिजाइन दे दिया और अब हमने रख दिया एक प्लेट में तो गैस प्लेट में रख दिया और उसके बाद जो हम आगे करेंगे चलिए हम आगे दिखाते हैं तो दोस्तों अब हम गैस ऑन कर दिया और उसके ऊपर रख दिया एक कढ़ाई और जब कढ़ाई गरम हो जाएगा तब हमने डाल दिया चीनी और चीनी जब तक ऐसा कलर का ना हो जाए तब तक हम जलाते रहेंगे तो गैस देखिए ऐसा हो गया अब हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा नमक और एक इलायची और उसके साथ साथ हमने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया गैस आप अगर इलायची देना नहीं चाहते हो तो आप स्किप कर सकते हो लेकिन गाइस इलायची देने से इस मिठाई का खुशबू और भी अच्छा लगते है तो गाइस देखिए हमने चीनी का सिरा बना लिया तो जब ऐसा हो जाएगा तब हमने उठा लेंगे कम से कम हम पाँच मिनट तक ऐसा उबाल लेंगे और जलाने के बाद हमने रख देंगे तो गाइस मेरा चीनी का सिरा हो गया रेडी अब हम जो करेंगे चलिए हम आगे दिखाते हैं तो अब हमने कढ़ाई ले लिया और कढ़ाई गर्म होने के बाद हमने डाल दिया बहुत सारे ऑयल और ऑयल डालने के बाद गाइज हम अब इंतज़ार करेंगे ऑयल गरम होने तक लेकिन गाइस ज्यादा ऑयल हम गरम नहीं करेंगे थोड़ा सा गरम होने के बाद हमने हाँ इसके अंदर डाल देंगे एक एक करके सारे चीज तो गाइस एक चीज ध्यान रखना है बिल्कुल गैस का फ्लेम सोलो करके रखना और है और धीरे से बहुत ही पेशेंस के साथ ये मिठाई को फ्राई करना है क्योंकि दोस्तों आप अगर जल्दीबाजी करेंगे तो इस मिठाई के अंदर कच्चा रह जाएगा दोस्तों एक बात बता देती हूँ अगर आप जल्दीबाजी करेंगे गैस का फ्लेम हाई करके फ्राई करेंगे तो इसके अंदर कच्चा रह सकता है इसलिए गाइस सोलो करके रखना है गैस के फ्लेम और बहुत ही धीरे से और आराम से इस सारे मिठाई को फ्राई करना है क्योंकि अच्छा से फ्राई नहीं होगा तो गैस इस मिठाई तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा खाने में क्योंकि अंदर कच्चा रह जाएगा इसलिए गाइस मैंने बहुत ही ध्यान से इस मिठाई को फ्राई किया तो गईस मैंने कम से कम दस से पंद्रह मिनट ले लिया मेरे हाथ में और मैंने बहुत ही धीरे से ये काम बहुत ही अच्छा से किया तो गई आपने भी बहुत ही आराम से ये काम कर लेना तो देखिए गई इस मुझे लग रहा है कि फ्राई हो चुके हैं जब तक इसी कलर का ना आ जाए तब तक आप फ्राई करते रहना तो देखिए गई इस मैंने बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लिया जब तक ना थोड़ा सा लाल कलर की आ जाए तब तक हम फ्राई करते रहे तो गाइस हमने जो चीनी की पानी बना के रखा था उसके अंदर हमने एक एक करके सारे मिठाई तेल से उठा के इसके अंदर डाल दिया और ज़्यादा नहीं दस से पंद्रह सेकेंड ऐसा करके रख देंगे और उल्टा के फिर से हम पंद्रह सेकेंड के लिए रख देंगे और उसके बाद हमने उठा लेंगे सारे मिठाई और मिठाई को उठाने के बाद गैस देखिए फाइनल लुक गैस वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे